नमस्कार पेरेंट्स, आज का जो हमारा वीडियो है वो है अबाउट स्पीच सेशंस। ये जो स्पीच सेशन अभी हम आपको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, ये हम अपने सब बच्चों को कराते हैं फ्रॉम द फर्स्ट डे। बच्चा बोल नहीं रहा, बच्चा सिर्फ बैबल कर रहा है, मीनिंगफुल नहीं बोल रहा है, बच्चा बोल रहा है लेकिन बहुत धीरे धीरे मुंह के मुंह में बोल रहा है, बच्चा बोल रहा है लेकिन तोतला बोल रहा है, ठीक से आर्टिकुलेट नहीं कर रहा। ये एक्सरसाइजेस सबके लिए यूज़फुल हैं, सब बच्चे करते हैं, ग्रुप में करते हैं। बच्चा रो रहा है, बच्चा कोऑपरेट नहीं कर रहा, बच्चा आई कांटेक्ट नहीं दे रहा, फिर भी करवाते हैं। ओके, इन एक्टिविटीज़ में आप देखेंगे कि एक चीज़ पे इंसिस्टेंट है कि जब हम बच्चे के साथ थेरेपी ले रहे हैं, वी मेक श्योर कि बच्चे का आई कॉन्टैक्ट हमारी तरफ हो, तभी उस स्पीच का कोई मतलब है। चाहे मुझे ज़बरदस्ती बच्चे का सर पकड़ के उठाना पड़ रहा है, अपनी आँख में दिखाना पड़ रहा है, बच्चा इधर देख रहा है फिर लाके, तभी इस स्पीच सेशन का कोई मतलब है। सो दो पर्पस सॉल्व होते हैं हमारे, एक है स्पीच, दूसरा है आई टू आई कॉन्टैक्ट। बहुत पेरेंट्स मुझे भेजते हैं कि मैम आई कॉन्टैक्ट इम्प्रूव करने के लिए तरीका बताइए। यही तरीका है, इट इज़ नॉट आई कॉन्टैक्ट, इट इज़ आई टू आई कॉन्टैक्ट। ओके, सो यू नीड अनदर आई, सामने एक और आँख होनी चाहिए, एक पेयर ऑफ आँख होनी चाहिए, तभी वो एक्सरसाइज होगी ना। इसलिए जब आप अपने बच्चे के साथ बात कर रहे हैं, तब आप इंश्योर कीजिए कि आपका बच्चा देख रहा है। जब वो आपको घसीट रहा है कुछ लेने के लिए, तो उसकी आँख में देख के बोलो, बच्चे बोल दे दो, तभी उसका कुछ मतलब है। दिस इज़ हाउ आई कॉन्टैक्ट विल कम। बॉल को मारो, बॉल को ट्रैक करो, बलून को ट्रैक करो, ये आई कॉन्टैक्ट की एक्टिविटीज़ नहीं हैं, ये ट्रैकिंग एक्टिविटीज़ हैं। आई कॉन्टैक्ट जब आप बच्चे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, जब बच्चा आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा है, आई कॉन्टैक्ट होना चाहिए, तभी आई कॉन्टैक्ट धीरे धीरे इम्प्रूव होगा, राइट? अब देखिए, इन सेशंस में एक मेन पर्पस जो हमारा ये सेशन सॉल्व करता है वो है आई कॉन्टैक्ट का, ठीक है? इसमें हम पहले आपको वॉवल्स बता रहे हैं, वॉवल साउंड्स, फिर बाइलेबियल्स, फिर डिप्थोंग्स। ये तीन के सेशंस हम आपको डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे बच्चों के साथ। इसके अलावा आप फ्रॉम द फर्स्ट डे एक वर्बल रूटीन फॉलो कीजिए, जिसमें आप 10 चीज़ें अपने पास रखिए और रोज़ बच्चे को बताइए। 10 चीज़ें क्या रखेंगे? जो बच्चा अपनी दिनचर्या में यूज़ करता है, ग्लास, चम्मच, ब्रश, बाल्टी, साबुन, टी शर्ट, पैंट, शूज़, कंघी, बस रोज़ बताइए। ये पॉइंट करके बताइए, ये शूज़ है। मुंह का आर्टिकुलेशन करिए, उसको बच्चे के लिए अट्रैक्टिव बनाइए, तभी वो बच्चा देखेगा, वरना ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड, दैट ब्रेन इज नॉट इंटरेस्टेड टू लुक एट यू। मेक इट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। जो साउंड्स, वॉवल के साउंड्स हम करते हैं, ओ, इन्हीं साउंड्स के द्वारा बच्चे के साथ बात कीजिए। ये पेन पेन है, खोलिए मुंह। सो आपका बच्चे को जब आप स्पीच शुरू करवा रहे हैं, वॉवल्स, बाइलेबियल्स के साथ और साउंड्स की एक्सरसाइजेस भी हैं, डिप्थोंग्स और एक वर्बल रूटीन, स्ट्रिक्ट वर्बल रूटीन आप फॉलो करेंगे। 10 चीज़ों से शुरू कीजिए, 10 दिन, 15 दिन, जब आपको लगने लगा कि हाँ मेरा बच्चा बोल नहीं रहा लेकिन समझ गया है कि ये ग्लास है, ये शूज़ है, ये कंघी है,
पांच और ऐड कर लीजिए, पांच और ऐड कर लीजिए। इस तरह से बढ़ाते जाइए, बच्चे की वोकैबुलरी बढ़ाइए, उसको समझाइए कि घर में जो यूज़ का सामान है उसको क्या बोलते हैं। ये कीजिए, दो और चीज़ें कीजिए, ए टू जेड का चार्ट और 1 to 10 का चार्ट अपने घर में लगा के रखिए मत, जब पढ़ाना है तब रखिए, बाकी टाइम हटा दीजिए, वरना उसी को देखते रहते हैं। तो ए टू जेड का चार्ट और 1 to 20 का चार्ट दिन में 2 बार फोनिक्स के साथ ए टू जेड और 1 to 20 बुलवाइए, बच्चे को पॉइंट कर कर के बुलवाइए। वो नहीं सुन रहा, वो ध्यान नहीं दे रहा, इररिस्पेक्टिव ये करवाना है। बच्चा आपके साथ खेल रहा है, खुश है, फटाफट वॉवल्स करा दीजिए, चलो अ ई आ ओ फटाफट। आप बच्चे को मसाज कर रहे हैं, बच्चा आई कॉन्टैक्ट दे रहा है, चलो डिपथोंग कर लेते हैं। बच्चा आपके साथ छुपन छुपाई खेल रहा है, जब आप उसको ढूंढते हो वो आई कॉन्टैक्ट देता है, चलो एक साउंड कर लेते हैं, हाँ कर लेते हैं। तो इस तरह से उसका आप एक स्पीच सेशन पूरे दिन भर में जब आपको बच्चा मिल रहा है तब करा दीजिए, और बच्चा बिल्कुल भी आई कॉन्टैक्ट नहीं दे रहा तो ज़बरदस्ती बैठाइए, पकड़िए, मुंह ऊपर कराइए और करवाइए उससे, ठीक है। मुझे बहुत पेरेंट्स के कमेंट्स आते हैं दैट आई एम वेरी मैं हार्श हूँ बच्चों के साथ, मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, आई शुड लेट देम बी, आई कैन नॉट लेट देम बी। मुझे इस कंडीशन का, इन डेवलपमेंटल डिलेज का प्रोग्नोसिस पता है, जब यही बच्चे बड़े हो जाएंगे शारीरिक रूप से आप इन्हें नहीं पकड़ पाएंगे तो फिर कुछ नहीं कर सकते, इसलिए समय है, काम कर लीजिए। नाउ आप हमारा डेमोन्स्ट्रेशन हमारे बच्चों के साथ देखिए एंड डू ट्राई इट एट होम, इट इज़ वेरी इफेक्टिव, वेरी इफेक्टिव। आप वो ग्रुप सेटिंग देखिए कि कितने सारे बच्चे एक साथ कितनी आवाज़ कर रहे हैं, तब जाके हमारे बच्चों के दिमाग में वो आवाज़ें घुस रही हैं, तो वैसा ही घर में करने की कोशिश कीजिए। ओके पेरेंट्स, सो डू ट्राई इट एट होम, सेंड अस योर फीडबैक, शेयर द वीडियो, लाइक इट एंड लेट द शक्ति स्प्रेड। विजयी भव तथा अस्तु, नमस्कार। Mama, 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 mama
Diphthongs. Very good. Again. टीचर्स जिन बच्चों को करा रहे आई कॉन्टैक्ट इज मस्ट. हाँ चलो ओके. पॉइंटिंग फिंगर ई Okay.
क्या का 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 ओके चला ओ Okay. Bye.